नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं लुई ड्यूमा के बारे में। लुई ड्यूमा भारत के नहीं हैं, लेकिन भारतीय समाजशास्त्र के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और आम तौर पे इनको भारतीय समाजशास्त्री भी समझ लिया जाता है। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। लुई जब आ जाता है तो मान लीजिए कि ज़्यादातर है वो फ्रांसीसी ही लोग होते हैं। तो ये एक मानवशास्त्री भी थे, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया, और एक समाजशास्त्री भी थे। इनका जन्म 1911 को फ्रांस के अंदर हुआ। मार्सल मॉस के निर्देशन में इन्होंने अपना शोध कार्य किया, तो मार्सल मॉस का इन पे काफ़ी कुछ प्रभाव रहा। पिछली बार जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कई बार पूछा गया था कि किस पर प्रभाव रहा है, तो लगभग जो उनके निर्देशक होते हैं उनका प्रभाव रहना स्वाभाविक बात है। तो लुईस ड्यूमा पे मार्सल मॉस का काफ़ी प्रभाव रहा है। और इनकी जो सबसे प्रमुख पहचान है, जब हम भारत विद्याशास्त्र उपागम की बात करते हैं, तो जीएस घुरिये के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो लुई ड्यूमा है। लुई ड्यूमा भारतीय विद्याशास्त्र उपागम के प्रमुख विचारक हैं। जनक जीएस घुरिये को माना जाता है और प्रमुख समर्थक लुई ड्यूमा को माना जाता है। लुई ड्यूमा मुख्य रूप से जातीय संस्करण, जाति के अध्ययन के लिए पूरी दुनिया में अलग पहचान रखते हैं। अगर कोई विदेशी भारत में जाति प्रथा का अध्ययन करना चाहता है तो वो पहले लुई ड्यूमा की जो एक पुस्तक है होमो हायरकिक्स उसका अध्ययन करता है। तो जाति ग्रामीण अध्ययन के बारे में लुई ड्यूमा ने लिखा है। होमो हायरकिक्स इनकी प्रमुख पुस्तक है, जो फ्रांसीसी भाषा में 1967 में लिखी गई थी। 1967 में 1970 में इनका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था 1970 में। और इस पुस्तक का पूरा नाम है, पूरा नाम हमेशा अपने को याद रखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल प्रश्न है वो पुस्तकों से नहीं पूछे जाते हैं, उनका जो सब टाइटल होता है उससे पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है, द कास्ट सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट्स, ये इसका पूरा नाम है। हिंदी में कई बार आ जाता है तो पदानुक्रम कहते हैं हायरकिक्स को, सम अधिक्रमिकता कहते हैं, संस्तरण कहते हैं, तो इसे जातीय संस्तरण कह सकते हैं, मानव संस्तरण कह सकते हैं, सम अधिक्रमिकता कह सकते हैं। हिंदी में कुछ भी नाम आ सकता है, लेकिन अंग्रेजी में एक ही आएगा, होमो हायरकिक्स। ये इनकी प्रमुख पुस्तक है और यही इनके अध्ययन का आधार है। तो इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था और उसके विश्लेषण के लिए एक पत्रिका भी निकाली थी। उस पत्रिका का नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका की स्थापना इन्होंने की थी। तो दो हो गई इनकी मुख्य पहचान। और बाद में अगर हम इनकी बात करें तो इनके बारे में जो प्रमुख इनका कथन है, जो इनकी प्रमुख सुझाव है, वो ये क्या है कि भारत में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को भारत विद्या के साथ समझने की आवश्यकता है। भारत विद्याशास्त्र, इनका विचार था कि भारत के लिए समाजशास्त्र या भारतीय समाजशास्त्र, वैसे इनकी आलोचना भी होती है कि समाजशास्त्र समाजशास्त्र होता है, चाहे भारत का हो चाहे किसी और का, लेकिन उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र शब्दावली का प्रयोग किया है और कहा कि भारतीय समाजशास्त्र या भारत के लिए समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र और भारत विद्याशास्त्र, समाजशास्त्र और भारत विद्याशास्त्र उपागम के संगम पे होना चाहिए। यानी भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन करना है तो हमें समाजशास्त्र प्लस भारत विद्याशास्त्र को देखना पड़ेगा। और भारत विद्याशास्त्र क्या कहता है, भारत विद्याशास्त्र कहता है कि किसी भी समाज को समझने के लिए उसके जो पौराणिक कथन, जो पुस्तकें हैं, वेद है, जैसे भारत के अंदर कुछ और भी है धार्मिक ग्रंथ है, उनका अध्ययन होना चाहिए। तो भारत विद्या उपागम क्या कहता है कि समाज को समझने के लिए उसके जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए मानते हैं कि भारत में मूल्यों के अध्ययन के लिए इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है। और ये अध्ययन ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, वो किस में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इसलिए अगर भारतीय समाज को समझना है तो संस्कृत भाषा का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। ये बात इन्होंने कही है, लुई ड्यूमा ने कही है। तो इन्होंने एक इस भारत विद्या शास्त्र उपागम पर एक लेख भी लिखा था 1986 में, जिसका नाम था एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म। इनके अलावा हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया
इंडियन किनशिप 1954 में, 1954 में साउथ इंडिया किनशिप का इन्होंने विशेष तौर से किया है। उत्तर भारत में भी इन्होंने अध्ययन किए लेकिन साउथ में तमिलनाडु के अंदर इन्होंने अध्ययन मुख्य रूप से किए हैं। वहाँ की जो नातेदारी व्यवस्था है, मुख्य रूप से जो मामा भांजी विवाह का वर्णन इन्होंने किया है। इनकी एक पुस्तक और है रिलीजन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया, रिलीजन पॉलिटिक्स इन एंड हिस्ट्री इन इंडिया 1970 में, ला आइडियोलॉजी एलिमेंट्स 1994 में। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं और ये इनके प्रमुख विचार हैं जिनसे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अब हम इनके प्रमुख जो इनका शोध का कार्य है, जो प्रमुख योगदान है, हेमो हायरकिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं यथासंभव उनका समाधान करने का प्रयास करूँगा। आपको क्लास कैसी लगती है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, क्या सुधार की आवश्यकता है, या आपको किस प्रकार की क्लासों की ज़्यादा आवश्यकता है। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मोटिवेशन के बगैर कुछ भी नहीं होता। आप तैयारी कर रहे हो, सुन रहे हो, किस लिए? कि नौकरी मिलेगी, ये नौकरी मिलना आपके लिए मोटिवेशन है। तो इस दुनिया में मोटिवेशन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए हमेशा किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। और अगर आप किसी पे दया करना चाहते हो ना, तो दया अपने आप पे कर लो, अपने आप को मोटिवेशन दे दो, क्योंकि मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक बाहरी और एक आंतरिक। आंतरिक मोटिवेशन से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और सब कुछ संभव है, बस करने की हिम्मत होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, तो हम सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हमें क्षमता है, और कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, औरों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस मोटिवेशन की ज़रूरत है और लगन की ज़रूरत है, लगन हो तो सब कुछ पाया जा सकता है। तो हेमो हायरकिक्स की बात करें तो ये 11 अध्यायों में विभाजित है। 1967 में फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी। 1970 के अंदर मार्क सेंसबरी ने हिंदी अनुवाद किया था, और जाति व्यवस्था का वर्णन इन्होंने किया है, और जाति व्यवस्था की विवेचना है इन्होंने पवित्रता और अपवित्रता, पवित्रता और अपवित्रता के आधार पे की है, ये विचार है पवित्रता और अपवित्रता का। साथ में ड्यूमो कहते हैं कि हेमो हायरकिक्स, हायरकिक्स का मतलब होता है संस्तरण, उच्चता और निम्नता का क्रम। लेकिन यहाँ दो बात कहते हैं, दोनों को समझने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि जाति की प्रकृति क्या है, समग्रवादी है, होलिस्टिक है, समग्र। समग्र का मतलब होता है कि हम एक जाति के नहीं समझ सकते जब तक दूसरी जाति का अध्ययन नहीं करेंगे। हम सभी जातियों को एक साथ समग्र रूप से अध्ययन कर सकते हैं, तभी हम जाति को समझ पाएंगे। अगर हम केवल ब्राह्मणों का अध्ययन करना चाहते हैं ना, और दलितों का नहीं करते हैं, या किसी और वर्ग का नहीं करते हैं, तो वो फिर ब्राह्मणों का अध्ययन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्राह्मण क्या माने जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं। पवित्र क्यों है? क्योंकि अपवित्र कार्य कोई और कर रहा है। अगर वो कोई और कार्य अपवित्र नहीं करता, जैसे मरे हुए पशुओं को उठाना है, अगर वो कोई नहीं उठाता, अगर ब्राह्मण के घर में कोई पशु मर जाता और ब्राह्मण को खुद को उठाना पड़ता, तो क्या वो पवित्र रह पाता? नहीं रह पाता। तो इसलिए कहते हैं समग्रवादी है, इनको हम एक दूसरे से अलग करके नहीं किया जा सकता। हाँ, संस्तरण जरूर है, वो किसी ना किसी उच्चता और निम्नता के क्रम में जरूर आते हैं। और साथ में वो कहते हैं जाति व्यवस्था व्यक्तिवाद विरोधी है। क्या है? व्यक्तिवाद विरोधी है, क्योंकि ये क्या, समग्रवादी है, और ये सामूहिकता को प्रोत्साहन देती है। इसमें व्यक्ति जाति के आगे कुछ भी नहीं होता है। तो जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की आधारभूत संस्था माना है, डीयूमा ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की आधारभूत संस्था माना है। तो अब थीम समझ में आ गई होगी कि डीयूमा की थीम क्या है। डीयूमा की थीम है, वो क्या है, जाति व्यवस्था है, और जाति में भी संस्तरण की व्यवस्था है, पवित्रता और अपवित्रता का विचार है। इन्होंने कहा कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पवित्र, ब्राह्मण और अपवित्र, ये दो विरोधी किंतु परस्पर एक दूसरे के पूरक निर्भर है संरचना है। तो ये भारतीय समाज में दो विरोधी तत्वों की व्यवस्था है, और यही भारतीय जाति व्यवस्था के प्राण हैं। डीयूमो के अनुसार ब्राह्मण तथा अस्पृश्य है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, और
पुरख जब मानते हैं तो वो इस बात के लिए ड्यूमा की आलोचना भी कहते हैं। ये पवित्रता के आधार पर जब धर्म को और जाति को समझते हैं, पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर या धार्मिक आधार पर जाति व्यवस्था की व्याख्या करते हैं, तो वो अन्य पक्षों को छोड़ देते हैं, सामाजिक पक्ष को, राजनीतिक पक्ष को, आर्थिक पक्ष की अवहेलना करते हैं। इसलिए ड्यूमा की आलोचना भी की जाती है कि इन्होंने धार्मिक पक्ष को, जाति व्यवस्था के अध्ययन में धार्मिक पक्ष को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि ये तो थे ही भारत विद्याशास्त्री। ड्यूमा के अनुसार पवित्रता और अपवित्रता की धारणाएँ हैं वो वैचारिक अवधारणाएँ हैं, विचारों पर आधारित है। अशुद्धता को उन्होंने फिर दो भागों में विभाजित किया है, एक स्थायी अशुद्धता और एक अस्थायी शुद्धता, स्थायी और अस्थायी शुद्धता। स्थायी कौन सी होती है? अस्थायी तो वो होती है जो कुछ समय के लिए रहती है और बाद में क्षणिक होती है, और कुछ समय के बाद में वो शुद्ध हो जाता है। जैसे कि महिला जब मासिक धर्म के दौरान 5-7 दिन का जो टाइम होता है उसमें अपवित्र या मानी जाती है, अशुद्ध मानी जाती है, और कुछ समुदायों में वहाँ पर उसको पशुओं के पास या चूल्हे के पास नहीं जाने की अनुमति होती है। इसी प्रकार से प्रसव काल है, मृत्यु के समय 10-12 दिन का वक्त होता है। एक होती है स्थायी शुद्धता जो कभी भी नहीं बदलती है, जैसे मृत्यु संस्कार में डोम का व्यवसाय करने वाले, मृत पशुओं को उठाने वाले, तो इस प्रकार। लेकिन ये कहते हैं कि एक दूसरे की शुचिता को, दूसरे की शुचिता को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को अशुद्ध कार्य करने पड़ेंगे, और ये जो शुद्धता और अशुद्धता की, पवित्रता और अपवित्रता की बात है वो मुख्य रूप से किसने की थी? दुर्खिम ने की थी, इमाइल दुर्खिम ने की थी, और वहीं से इन्होंने शायद ग्रहण की है ऐसा माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल जाति व्यवस्था के संस्तरण की या पवित्रता और अपवित्रता की चर्चा की या अध्ययन किया, इनके अलावा जाति के इतिहास, उद्गम, वर्ण व्यवस्था, जजमानी प्रथा, शर्म व्यवस्था, सहवास और खान पान संबंधी, यानी जाति के जितने भी पक्ष हैं उन सब का इन्होंने क्या किया है? अध्ययन किया है। जातीय शक्ति संरचना का, संस्तरण का, विवाह के नियमों का, और साथ में इन्होंने गैर हिंदू और जो हिंदुओं के बाहरी जो समूह हैं उनमें भी जाति व्यवस्था के आधार पर खोज तुलना की है। हिंदुओं और गैर हिंदुओं की जाति व्यवस्था के आधार पर इन्होंने तुलना की है, इसलिए इनके अध्ययन की विधि है वो तुलनात्मक भी हो जाती है। इन्होंने ग्रामीण अध्ययन भी काफ़ी कुछ किए हैं, और भारतीय समाज के बारे में इन्होंने दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी क्षेत्रीय कार्य भी थोड़े बहुत किए हैं। ड्यूमा ने लिखा है भारतीय समाज के बारे में कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक दो बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है किंतु समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, मुख्य रूप से जाति के बारे में कहना चाहते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था की जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बदल रही है। तो समाज में परिवर्तन हो रहा है किंतु समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये इनका कथन है जो एक दो बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और ये भारतीय समाज की बात करते हैं तो ये दो दृष्टिकोण रखते हैं, एक जाति की दृष्टि से गांव और सभ्यतापरक दृष्टि से जाति, सभ्यतापरक दृष्टि से जाति और जाति की दृष्टि से गांव। तो ये दो ये दृष्टिकोण अपनाते हैं जो कि कोई अन्य नहीं अपनाता है। तो इन्होंने जब भारतीय जाति व्यवस्था और भारतीय गांव यानी भारतीय सामाजिक संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो भारत विद्याशास्त्रीय दृष्टिकोण तो ये अपनाते ही अपनाते हैं, साथ में संरचनात्मक पर कार्यात्मक उपागम के प्रयोग की बात करते हैं, संरचनात्मक उपागम की ये बात करते हैं, क्योंकि जब क्षेत्रीय अध्ययन करता है तो वो कहीं ना कहीं संरचनात्मक उपागम को देखता ही देखता है। तो भारत विद्या के साथ साथ इन्होंने संरचनात्मक उपागम के प्रयोग की बात भी कही है। इन्होंने जाति और वर्ण में पृथकता देखने की बात कही, इन्होंने ये तीन प्रकार की पृथकता के लक्षण बताए, संस्तरण, पृथकता और अंतर्निर्भरता। तो ये जो तीन लक्षण है इन्होंने, ये तीनों लक्षण इन्होंने जाति में पाए, वर्ग में नहीं पाए। इनके अनुसार वर्ण है वो संस्तरण व्यवस्था नहीं थी, और ये जो विचार हैं संस्तरण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में, ये पहले बोगले के थे और बोगले से ही ड्यूमा ने ग्रहण किए हैं। किसे ग्रहण किए हैं? बोगले से। तो ड्यूमा का विचार था कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था के शुद्ध संस्तरण व्यवस्था से परिचालित है, यानी भारत क्या एक धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था के शुद्ध संस्तरण व्यवस्था से
परिचालित है, ये कथन भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो डियुमा के क्षत्रिय कार्यों की बात करें तो इन्होंने मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में अध्ययन किए हैं। तमिलनाडु में इन्होंने दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था, वहाँ की एक उपजाति है परमली कलार उपजाति, उसका अध्ययन किया और बाद में इस तमिलनाडु की इस उपजाति के अध्ययन के साथ तुलना की है इन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अध्ययन की। ज़्यादा वक्त इन्होंने साउथ में गुजारा था, इंडिया नॉर्थ इंडिया में बहुत कम गुजारा, 15 दिन इन्होंने गोरखपुर में अध्ययन किया था और इनके साथी थे डेविड पिकोक और इन्होंने दोनों ने मिलकर गोरखपुर में 15 दिन क्षेत्रीय कार्य किया था और इस प्रकार से इन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत में तुलनात्मक विधि का अध्ययन किया था, दोनों में तुलना की थी नातेदारी व्यवस्था में और ये तुलनात्मक विधि का प्रयोग इन्होंने मोस से ग्रहण किया था। अब बात आती है कि इन्होंने भारत में कब समय गुजारा था, तो ये भारत में 1948 में आए थे और 1970 के मध्य, 1948 से 1970 के लगभग 22 साल इन्होंने भारत में गुजारे और यहाँ पे अध्ययन किया और इनका जो आनुभाविक अध्ययन है वो ज़्यादातर है वो 1960 से 1965 के बीच में है, जो क्षेत्रीय अध्ययन है उनका ज़्यादातर वो। तो ये इनके बारे में प्रमुख बातें हैं। जजमानी प्रथा के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ अध्ययन किया था और इसे परंपरागत श्रम विभाजन का, क्या कहा, परंपरागत श्रम विभाजन के रूप में स्वीकार किया है। पर्व जाति की अवधारणा की विवेचना भी थोड़ी बहुत इन्होंने की है। प्रभुत्व की अवधारणा को इन्होंने क्या कहा था कि भारतीय सामाजिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में जो इनके क्षेत्रीय कार्य थे तो इसमें उन्होंने आनुभाविक का भी किया। अब जब हम क्या करते हैं, जब क्षेत्रीय कार्य करते हैं तो संरचनात्मक उपागम हो जाता है कहीं ना कहीं। आप देखोगे मिलोवंस्की को देखोगे, एम एन श्रीनिवास को देखोगे, ब्राउन को देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, संरचनात्मक उपागम को अपनाते हैं जो ज़्यादातर क्षेत्रीय कार्य करते हैं और ये क्या होते हैं, आनुभाविक भी होते हैं, अनुभव के आधार पर चीज़ों को लिखना। तो डियुमा ने श्रम विभाजन के रूप में सामाजिक सत्रीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, सामाजिक सत्रीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इसमें वे जाति के व्यवसाय को प्रमुखता देते हैं, क्या है, व्यवसाय को प्रमुखता देते हैं। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि 1955 में उन्होंने हेग विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र, भारत के समाजशास्त्र की पीठ, भारत के समाजशास्त्र की पीठ की स्थापना की थी, कहाँ, हेग विश्वविद्यालय में। इनके समाजशास्त्र को या भारतीय समाजशास्त्र को इन्होंने क्या कहा, वर्णात्मक समाजशास्त्र कहा, भारतीय समाजशास्त्र को क्या कहा, वर्णात्मक समाजशास्त्र कहा। इन्होंने मूल्य संस्तरण की योजना, मूल्य संस्तरण यानी समाज में अलग अलग समाजों में अलग अलग मूल्य होते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर कहा कि यूरोपीय समाज में व्यक्ति सर्वोच्च मूल्य है, स्वतंत्रता, अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ सामूहिकता आध्यात्मिकता सर्वोच्च मूल्य होते हैं, तो मूल्यों का संस्तरण होता है प्रत्येक समाज में, तो इसकी भी इन्होंने चर्चा की है। तो ये डियुमा के बारे में हमारी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताना, आपने इतने प्रेम से मुझे सुना इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।